अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक लोमहर्षक खबर सुनाने जा रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है, इसके अधिकारी कर्मचारी कितनी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं और किस तरीके से जो है जिन यात्रियों की जानें खतरे में पड़ चुकी है ऐसे यात्रियों को बचाने का भी काम करते हैं। ऐसी एक घटना दादर रेलवे स्टेशन पर हुई है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर। यूपी हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन ये जैसा ही प्लेटफॉर्म छोड़ करके आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान एक जनरल बोगी से यात्री जो है अपने सामान के साथ उतरने की कोशिश कर रहा था और उतरने के दौरान जो है उसका सामान छूटा, वो यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरा और उसका एक हाथ जो है वो बोगी के दरवाजे के खंभे से ही मतलब पकड़ा हुआ होने के कारण ये यात्री घसीटा हुआ चला जाने लगा और उस यात्री को गैप या दोनों डिब्बों के गैप में उस अंतर के बीच में गिरने से पहले इसी प्लेटफॉर्म 6 पर जो है अपना कर्तव्य निभा रहे, अपना फर्ज निभा रहे आरपीएफ के एसआई विनीत सिंह और डीटी दीवान सिंह, इन दोनों ने कितनी मुस्तैदी के साथ कितनी फुर्ती के साथ दौड़ते हुए जाकर के उसे पकड़ लिया और उसको बेहद मतलब सावधानी से किस तरीके से बचाया, ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में आप आज हमारी खबर के देखेंगे। और इन दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, एसआई विनीत सिंह और डीटी दीवान सिंह, इन दोनों ने जो है इतनी मुस्तैदी दिखाई कि ये यात्री जो है घसीटता हुआ तो चला गया लेकिन इन दोनों की मुस्तैदी के चलते जो है उसे कोई मार नहीं लगी और किसी तरह की कोई बड़ी जो है चोट या जख्म भी नहीं पहुंची।